नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कहना है कि जहां पर भाजपा होती है वहां पर विकास नहीं होता है, और जहां पर गठबंधन में ही सही कांग्रेस होती है वहां पर विकास की झड़ी लग जाती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए महिमा, और जाहिर सी बात है कि जो पार्टी का कोई भी नेता हो, एमएलए हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो सत्ता में है तो अपनी पार्टी की तारीफ किए बिना रहेंगे नहीं। और वही हाल जो रामेश्वर उरांव का नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो वित्त मंत्री भी हैं राज्य के, दूसरी तरफ वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं झारखंड से। तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो अपनी पार्टी के लिए बेहतर बोलें, अच्छा बोलें और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करें। उसी के नाते उन्होंने ये शब्द बोले हैं कि जहाँ भी कांग्रेस होती है वहाँ विकास होता है, और जहाँ बीजेपी होती है वहाँ से बातें होती हैं, विकास नहीं होता। तो इस तरह की बातें उन्होंने शुरू की हैं। लेकिन हाँ, बीते दिनों जिस तरह का रुख कांग्रेस में नज़र आया, जिस तरह की गतिविधि कांग्रेस में नज़र आई, जिस तरह का जो बगावती सुर कांग्रेस में नज़र आया, उसने कहने का चिंता की लकीरें ज़रूर बढ़ाई। क्योंकि रामेश्वर उरांव ने उस बीच भी ये कहा कि जो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हमारे विधायकों ने नहीं किया, सारा कुछ महज इत्तेफाक है, और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनके अंदर जो है पार्टी के प्रति समर्पण है, और तमाम सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन इस बीच जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा, जिन लोगों पर ये बात कही गई कि ये लोग बीजेपी के नेताओं से मिले हैं, वो चाहे इरफान हो, वो चाहे अंबा हो, वो चाहे दूसरे नेता हो, वो लगातार उनसे मिलते रहे, बात करते रहे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ औपचारिक मुलाकात है, वो सिर्फ काम के सिलसिले में लोगों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, ताकि काम को बेहतर दिशा दी जा सके। और वही बात पर कहीं ना कहीं वो अडिग भी रहे। आखिरकार मीडिया ने उनसे पूछा भी कि जिस तरह से कई कांग्रेसी नेताओं का नाम सामने आया है, चाहे वो मिले हों उनसे, चाहे उनको ऑफर हुआ हो पैसा, चाहे उनको पद ऑफर हुआ हो, इसके ऊपर आपका क्या कहना। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने तो जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की उसके ऊपर भी कहने के सवाल खड़े किए, और तब ऐसा लगा कि हो सकता है कांग्रेस और जेएमएम के बीच कहने की खटास पैदा ना हो जाए। और इसको लेकर जिस तरह से जेएमएम की तरफ से लगातार जो एक तरह आरोप लगाए गए कांग्रेस के ऊपर भी कि उनके विधायक बिक रहे हैं, उनके विधायक कहने के पैसा ले रहे हैं, और तमाम सारे आरोप इस तरह के लगाए गए कांग्रेस के ऊपर, लेकिन रामेश्वर उरांव ने उस समय भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जहां भी वो सत्ता में है वहां विकास नजर आता है। और देखिए, विकास की जहां तक बात है तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो लोगों के रोजगार की है, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि बीते दिनों की बात करें तो लगातार जो झारखंड युवा हैं उन्होंने एक जो है ट्विटर पर जिस तरह की उनकी जो उन्होंने मुहिम चलाई, वो ट्रेन की, और उसमें लगातार उन्होंने ये कहा कि सरकार ने जो हमसे वायदे किए थे रोज़गार देने के, वो रोज़गार हमें दिए जाएँ, नहीं तो लगातार हम हेमंत सरकार का विरोध करेंगे। वहीं जिस तरह से बीते दिनों बीजेपी की तरफ से आंकड़े गिनवाए गए, चाहे अपहरण की बात करें, रेप की बात करें, हत्याओं की बात करें, लूट की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और लगातार 18 से 20 महीने के अंदर कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के ऊपर उन्होंने तमाम सारे जो है आरोप लगा दिए कि हेमंत सरकार बहुत मजबूती से काम नहीं कर रही है, बहुत ही ये कहें कि राज्य को बढ़ाने वाले काम नहीं कर रही, ना विकास राज्य में नज़र आ रहा है, बल्कि हर तरफ लूट मचा रखी है हेमंत सरकार ने। इस तरह के तमाम सारे आरोप लगे, लेकिन अब उसी का शायद मुझे लगता है ये पलटवार है रामेश्वर उरांव की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जहाँ भी होती है या किसी के साथ अगर वो सत्ता की भागीदार भी होती है, तब भी राज्य में विकास थमता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी विकास को एक तरह से रोक देती है, सिर्फ बातें करती हैं, और ये उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है बहुत दिन चुप्पी रहने के बाद। तो इसके जो पलटवार में इसके जो है उलट बीजेपी की तरफ अगर देखते हैं तो उनकी तरफ से क्या बयान निकल कर सामने आता है, किस तरह से कांग्रेस नेता का वो जवाब देते हैं, और अपना जो उनका विरोध है, यानी कि लगातार जो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को वो लोग घेर रहे हैं, अब इसको लेकर वो क्या बोलते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के पक्ष से लगातार केंद्र सरकार को भी घेरा जा रहा है, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो उसमें भी केंद्र को घेरा जा रहा है, महंगाई, इन सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस लगातार ये करती रही है कि सत्ता पक्ष के ऊपर हावी होने की कोशिश करती रही है। अगर हम देखें जिस तरह संसद में माहौल चल रहा है कि जो लगातार विरोध चल रहा है, चाहे जासूसी कांड को लेकर आप बात कर लीजिए, किसानों के हितों को लेकर बात कर लीजिए, लगातार जो विरोधी खेमे हैं यानी विपक्षी दल हैं वो लगातार एकजुट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से हमले होते हुए हैं केंद्र सरकार पर। ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विकास नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं। वहीं कांग्रेस जिस तरह से आपने
सवाल उठाया कि रामेश्वर उरांव ये कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस होती है जिस भी राज्य में वहां सिर्फ विकास होता है, लेकिन अगर वो सिर्फ कागज़ों पे हो, लोगों तक विकास ना पहुंचे, तो मेरे ख्याल में वो भी कोई बहुत मजबूत चीज़ नहीं है, क्योंकि आखिर पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक अगर आपका विकास नहीं पहुँच पा रहा है, और जिस तरह के हालात इस समय नज़र आ रहे हैं झारखंड में, चाहे क्राइम रेट की बात करिए आप, चाहे अशिक्षा की बात करिए आप, चाहे जिस तरह से कोरोना के वक्त में लोगों की जान गई उसकी बात करिए, या इस समय जिस तरह लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो लोग नौकर पेशा थे उनकी नौकरी भी चली गई है, तो ऐसे वक्त में हेमंत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि उनको किस तरह से जो उन तक नौकरी पहुंचाई जाए, क्योंकि लगातार जो लिखे पढ़े युवा हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, वो खाली हाथ हैं। तो ये बड़ा सवाल है, खाली कह देना कि हम विकास कर रहे हैं, विकास की राजनीति करते हैं, विकास हमारा मुख्य मुद्दा है, वो कहने से नहीं करने से होता है। और ये जो तीनों दल हैं, यानी कि जो आरजेडी है, हेमंत सरकार, जो जेएमएम है और जो कांग्रेस है, तीनों को मिलकर जिस तरह से हेमंत सरकार बनी है और उसके मुखिया सीएम जो हेमंत सोरेन हैं, तो उनको ये सोचना पड़ेगा बैठकर कि किस तरह से जो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनकी दिक्कत लगातार रोज़गार को लेकर, वो कैसे दूर की जाए। इसके अलावा चाहे जज की हत्या का मामला हो, वकील की हत्या का मामला हो, या जैसे रूपा तिर्की का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले रहे जिन पर लगातार जो है सत्ता पक्ष के लोगों पर उंगलियाँ उठाएंगे, लगातार उनसे सवाल किए गए कि आखिर ये क्राइम इस तरह से बढ़ क्यों रहा है, आखिर कोई जिम्मेदारी इसकी है भी या नहीं। तो इस तरह की तमाम सारी बातें जो होती हैं वो हेमंत सरकार के खिलाफ जाती हुई नजर आई, और बीजेपी ने इसके ऊपर बड़े हमले भी बोले। कुछ दिनों पहले की बात है जब बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश सामने आते हैं, वो कहते हैं कि प्रदेश के जो हालात हैं वो जंगल रास्ते कम नहीं हैं, वो लालू से उसका कंपैरिजन करते हैं, वो और तमाम सारे आंकड़े गिनवाते हैं। तो ये जो मामले हैं, खाली मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जिस तरह से बात रख रही है वो अपनी जगह बात सही हो सकती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर ज़रूर नज़र आना चाहिए, तब कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ झारखंड में भी विकास हो रहा है। अगर वो लोग खाली हाथ हैं, लोग भूखे पेट हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, क्योंकि पहले आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, झारखंड में विकास की क्या गति है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP News।